हिंदुस्तान के आदिवासियों के सबसे बड़े नेता, दबे कुचलों के वंचितों के सबसे बड़े नेता शिबू सोरेन जी, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जी, हमारे बीच में दो वीरांगनाएं बैठी हुई हैं, कल्पना सोरेन जी, सुनीता केजरीवाल जी। आज जब ये अपने घरों से निकल सकती हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि आज नरेंद्र मोदी की सरकार से दो दो हाथ करने के लिए हम भी सड़कों पे उतरे, हम भी मैदान में आए। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की दुकान बंद कराने का जिम्मा जिस नौजवान ने अपने कंधे पे लिया है, मैं बधाई देना चाहता हूं तेजस्वी यादव जी, जिस तरह से दिन रात मेहनत करके बिहार से भाजपाइयों का सफाया करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जी, महाराष्ट्र के अंदर इनका पूरा गठबंधन लग के भाजपा को वहां से हटाने का काम कर रहे हैं। दीपांकर भट्टाचार्य जी और टीएमसी के नेता विवेक गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी के सीएलपी के लीडर, आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। और आज जो सामने यहां पर इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए हैं, अपने नेता हेमंत सोरेन के लिए इकट्ठा हुए हैं, आप ये संदेश देना चाहते हैं, भगवान बिरसा मुंडा की धरती से नरेंद्र मोदी को संदेश देना चाहते हैं कि पूरे देश का आदिवासी समाज इस बार तुम्हारी जमानतें जब्त कराने का काम करेगा। बताओ तैयार हो कि नहीं तैयार हो? तैयार हो ना? तैयार हो? मैं दिल्ली से चल के आया हूं, 6 महीने मुझे नरेंद्र मोदी ने जेल में रखा, हमारे सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जेल में है, पूरी पार्टी को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। झारखंड के सबसे लोकप्रिय नेता भाई हेमंत सोरेन को तुमने जेल में डाल दिया मोदी जी, केजरीवाल का संदेशा है, पूरी दिल्ली पूरा देश झारखंड के साथ है, आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़ा है, डरने की जरूरत नहीं है। तुम जेल से डरा रहे हो? भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायियों को जेल से डराते हो? अरे हमारा इतिहास पढ़ लेना, झारखंड का इतिहास पढ़ लेना नरेंद्र मोदी जी, अंग्रेजों को जंगल में रह के भगाने का काम बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आदिवासी समाज के लोगों ने किया है। जंगल में रह के शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड को बनाने का काम झारखंड के लोगों ने किया है। जंगल में रहकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को जेल से डराने की कोशिश मत करना, तुम्हारी जमानतें पूरे देश में जब्त कराने के लिए देश के आदिवासी दलित पिछड़े समाज के लोग एकत्रित हैं। बिल्कुल ठीक कहा दीपांकर भाई ने, पूरे हिंदुस्तान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान चलता है, हम सब लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते हैं, भारत तो बाबा साहब के संविधान को मानता है, लेकिन भाजपा ही नागपुर के संविधान को मानते हैं, नागपुर के संविधान को। और नागपुर का संविधान क्या कहता है? नागपुर का संविधान कहता है दलितों का आरक्षण खत्म करो, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करो, पिछड़ों का आरक्षण खत्म करो, चुनाव खत्म करो, नरेंद्र मोदी की तानाशाही इस देश में लाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये अंतिम चुनाव है मेरे भाइयों, इस बार चुनाव में इनकी जमानतें जब्त कराकर इनको हराने का काम करना और कहना हम देश का संविधान बदलने नहीं देंगे।